हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों तुलसी 51 ड्रॉप्स के बारे में, जो आती है दोस्तों जॉली फार्मा की। एक आयुर्वेदिक एंड एथिकल मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आज की डेट में आपने इसका यूज़ ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। सबको पता है दोस्तों तुलसी हमारी बॉडी के लिए या फिर हमारे घर के लिए या फिर वातावरण के लिए कितनी अच्छी है। तो दोस्तों आज के से कुछ यूजेस आपको बताने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों इसके यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हर बीमारी में इसका यूज़ किया जा सकता है, यहाँ तक कि कैंसर के बीमारी में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों कम्प्लीटली रिव्यू बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। जो दोस्तों सामने की तरफ लिखे रहता है दोस्तों तुलसी 51 ड्रॉप्स, ये दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर वर्धक है। लिखा है दोस्तों सर्वोत्तम 5 तरह की तुलसियों का अर्क इसमें बना हुआ है। दोस्तों 5 तरह की अर्क से बना हुआ है, 5 तरह की तुलसी इसमें डाला गया है दोस्तों। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, श्वेत सुरसा और नींबू तुलसी। ये दोस्तों 200 से ज्यादा बीमारियों के लिए काफी अच्छा है दोस्तों। इनका रस निकाल कर ये 51 ड्रॉप्स बनाई गई है। इसकी एमआरपी है दोस्तों 30 ml की 237 रुपये की दोस्तों, और ये आपको 15 ml में अवेलेबल हो जाता है 150 MRP के तकरीबन इसकी MRP है दोस्तों। अंदर की तरफ जो ड्रॉप होती है दोस्तों कुछ इस तरीके से इसकी ड्रॉप होती है, जो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया पैकिंग इसमें आती है। ये दोस्तों लिक्विड फॉर्म में एक ड्रॉप है और दोस्तों आपको इसके साथ मिल जाता है एक क्विक गाइड, जो इसमें कम्प्लीटली आपको बता रखा है, आपको गाइड कर रखा है कि आपने किस किस बीमारी में किस तरीके से इसमें लेना है। इसमें आपको सारी जानकारी दे रखी है। और दोस्तों इसके अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे आपका ग्रीन टी हो गया, फैट कैप्सूल्स हो गया जो फैट वगैरह के लिए, चर्बी के लिए काम करता है, और दोस्तों आपका ये पायल्स वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और तुलसी 51 ड्रॉप है, रेड गोल्ड कैप्सूल है जो दर्द वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है दोस्तों। ये दोस्तों आपको 200 बीमारी से ज़्यादा यूज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दोस्तों खर्चा मात्र इसका 2 रुपये पर डे का होता है, जो सबसे अच्छी बात है। ये दोस्तों एक नेचुरल ड्रॉप है और काफ़ी अच्छी है। गाइस, तुलसी 51 ड्रॉप एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एंजिंग है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी वायरल है, एंटी फ्लू है, एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी डिजीज है। यहाँ तक कि दोस्तों इसके कैंसर के रोग में भी इसको डॉक्टर कंट्री करते हैं, पेशेंट इसको कैंसर के रोग में भी इसको ले सकते हैं, और दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इन्होंने यहाँ पर बता रखा है दोस्तों, ये सारे इनके इंजेक्शन वगैरह बता रखे हैं कम्प्लीटली। दोस्तों 200 से ज़्यादा बीमारियों में इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो मैं डेली यूजेज में बता रहा हूँ कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे आपका हार्ट की ब्लॉकेज होने से रोकता है। दोस्तों अगर किसी के हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह है पहले से, उसको कम करने में मदद करता है दोस्तों। तुलसी में जो होता है इवेगेंट नामक पदार्थ होता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द वगैरह कम करने में सहायक होता है। खून में अत्यधिक चर्बी जम गई है तो उसको कम करने में मदद करता है दोस्तों। स्वस्थ के जीवन के लिए यानी हैप्पी बॉडी के लिए और आई को बढ़ाता है दोस्तों तुलसी 51 या तुलसी जो भी हमारे घर में यूज होती है। डिप्रेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। माइंड की प्रॉब्लम है, किसी को याददाश्त कमजोर है या फिर कोई डिप्रेशन में रहता है, सर में दर्द रहता है, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है, काफी जबरदस्त का रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। स्किन की प्रॉब्लम है, चमड़ी के रोग के लिए काफी हेल्पफुल होता है, मलेरिया है, पीलिया है, कब्ज वगैरह है, एसिडिटी है, पेट के रोग के लिए, लीवर के रोग के लिए, और दोस्तों मुंह से अगर दुर्गंध आती है उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यूरिन के इन्फेक्शन के लिए, यूरिन में जलन होती है, यूरिन का कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। माइंड को साफ व तेज करता है, याददाश्त को बढ़ाता है दोस्तों। जुकाम, सर्दी, एलर्जी, रेशा, खांसी, बलगम, खांस रोग यानी दमा रोग वगैरह हो जाता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। नींद की प्रॉब्लम है, किसी को नींद नहीं आती है, तनाव रहता है, सरदर्द वगैरह, बाल वगैरह झड़ते हैं, बालों के झड़ने की वजह से आजकल हर चीज़ का एक नेचुरल वगैरह तरीका है दोस्तों, ये बालों के झड़ने के रोकने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है दोस्तों। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, सिर के दर्द में भी काफ़ी लाभकारी है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसको घर में एक बर्तन में 5 से 10 बूंद इसमें डाल दें तो वो पानी एक प्यूरिफाइड हो जाता है, तो आपको इसके जीवाणु वगैरह जो है वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से होते हैं फ्लू रोग होता है, स्वाइन फ्लू जैसे रोगों में काफ़ी हेल्पफुल होता है, डेंगू बुखार में, मलेरिया हो गया, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, शुगर का मरीज है, मोटापा है, पथरी है, किसी को गठिया रोग है, दमा रोग है, पेट में मरोड़े रहते हैं, अत्यधिक पेट की सारी समस्याओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दोस्तों मेनली ये भी है दोस्तों बावासीर के लिए, रोग के लिए काफ़ी अच्छा है, दांत खाद खुजली में,
दांतों से खून आता है, दांत में दर्द रहता है, पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम है मसूड़े में, नाक से खून आता है या फिर नाक से कुछ स्मेलिंग वगैरह आती है दोस्तों, फेफड़ों में सूजन वगैरह है, अल्सर है पेट में मुंह में, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। वीर्य की कमी के लिए हो गया, वीर्य पतला हो गया, उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थकावट आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये दोस्तों। इम्यूनिटी बूस्टर करता है, इम्यूनिटी पे काम करता है, जिसकी वजह से हर रोग को लड़ने से इसको काफ़ी हेल्पफुल होती है दोस्तों। ये एक दोस्तों एंटी टॉक्सिक भी है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो होते हैं गंदे पदार्थ वगैरह जो है वो बाहर निकालने में मदद करता है। डेली यूज करने से दोस्तों मर्दों में होने वाली हर कमजोरी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। गर्भावस्था में अगर गर्भवती महिलाएं इसको कंटिन्यू दिन में 4 से 5 बूंद इसको लें, तो उनको जो बार बार उल्टी होने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। और दोस्तों आज के पॉल्यूशन में दोस्तों आप इसका यूज़ करना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसका यूज़ खुद ही यूज़ कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि तुलसी कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी के दर्द वगैरह में। अगर आप इसका यूज करते हैं बालों के झड़ने के लिए, जो सफेद हो जाते हैं बालों में रूसी है, तो 10 ml आप इसका हेयर ऑयल में यूज करिएगा, इसको मिलाकर आप इसको कंटिन्यू सर में यूज कर सकते हैं दोस्तों। इससे कोलेस्ट्रॉल जमना भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होना भी बहुत कम होता है दोस्तों। फेस पे झुर्रियाँ हैं, कील वगैरह हो रही है, मुहांसे वगैरह हो गया, सनबर्न हो गया, आंखों में काले घेरे हो गए आदि को दूर करने में मदद करता है दोस्तों। इसकी जो जॉली क्रीम आती है उसके साथ इसकी 5 बूंदें मिलाकर आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका चेहरा निखरेगा और दोस्तों एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में मदद करता है। फीमेल्स के पीरियड्स की प्रॉब्लम में अगर आप इसको जैसे यूज़ करते हैं, तो उनके पेट दर्द जैसी समस्या या फिर कंटिन्यू वीकनेस की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है दोस्तों। इसमें जो ये कम्प्लीटली आता है, इसमें आपको सारी से कम्प्लीटली बता रखा है कि कैसे आपने इसका यूज़ करना है, ये आप इसमें देख सकते हैं। सारे मेथड इन्होंने बता रखे हैं किन किन प्रॉब्लम्स में आपने इसको कैसे कैसे यूज़ करना है दोस्तों। आप इसका यूज़ इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको लंबे समय तक यूज़ भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इसको नेचुरली करते हैं तो आपको अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर किसी को होती है, फंगल वगैरह जैसी प्रॉब्लम तो हर किसी को होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसका यूज एक बार जरूर कर लीजिएगा। एक ऑप्शनल के तौर पे आप दवाइयां खाते रहे हैं और साथ में इसका भी यूज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है और काफी अच्छी है दोस्तों। अगर हो सकता है तो मैं आपका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी परचेज को कर सकते हैं, तो काफी अच्छी है दोस्तों। तुलसी 51 ड्रॉप का डेली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी दोस्तों। तो बस दोस्तों ये था कुछ तुलसी 51 ड्रॉप्स के बारे में जानकारी दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग्स में विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इसको खरीद कर इसको एक बार पाउज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके और प्रोडक्ट भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया भी है दोस्तों। 237 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका एक ड्रॉप कम से कम 20 से 25 दिन या महीने भर चल जाएगा। तो बस दोस्तों ये था कुछ तुलसी 51 के बारे में कम्प्लीटली जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों मुझे फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक खास जानकारी के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।